तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 19.12 करा क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 तक कंप्लीट कर चुके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 27 तक में क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग हॉल स्क्वायर बनाते थे और फिर इंटीग्रेट करते थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 28 से क्या है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। जब फंक्शन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करते, तो वह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक कंसेप्ट हम लोग को ध्यान देंगे इसका, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो तो उसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जब आपका यहां पे फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो ये इंटीग्रेशन का रूप, इंटीग्रेशन का रूप क्या क्या हो सकता, फर्स्ट रूप ऐसा हो सकता ए एक्स प्लस में बी बाई और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, इस तरीके से हो सकता है। या सेकेंड में हो सकता है आपका ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। या तीसरा रूप हो सकता है ए एक्स प्लस में बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी डी एक्स, ये तीन रूप में होगा। तो जब इस फॉर्म में लीनियर क्वाड्रेटिक ऐसे हो या लीनियर क्वाड्रेटिक इस रूप में हो या लीनियर क्वाड्रेटिक इस रूप में हो, तो ये तीन रूप में आएगा, तीन फॉर्म में। तो इस तरह का लीनियर क्वाड्रेटिक में हो तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं लीनियर, लीनियर इक्वल टू ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट, तो ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस में बी, और ए बी क्या है कांस्टेंट। जैसे लीनियर, लीनियर में क्या है ए एक्स प्लस बी लेट किया जाता है, क्या किया जाता है लेट किया जाता है लीनियर बराबर ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी और प्लस में बी, ए रूल है। अब यहां पर ए लिख लिए ए एक्स प्लस में बी और ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा टू ए एक्स प्लस में बी, इसका डिफरेंशिएट आ गया प्लस में बी। और यहां पे बोल दे जहां ए और बी, ए और बी क्या है अचर है, क्या है अचर मतलब कांस्टेंट है, ए बी क्या है कांस्टेंट है अचर है। तो यहां से डिफरेंशिएट कर अब क्या कह लीजिए ए और बी का वैल्यू फाइंड कर इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर से रिपीट करते, जब लीनियर क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में हो, लीनियर क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में हो या लीनियर क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में हो, तो ये तीन फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते, क्या रूल अपनाते, लीनियर इक्वल टू को ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट प्लस बी, ए रूल अपनाते। जैसे इसको बनाएंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ए तो हम लोग कंडीशन समझ गए कि इस तरह का फॉर्म रहेगा तो ऐसे अपनाएंगे। अब इसको बना के दिखाते क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे हम लोग ए रफ कह लेते हैं, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 28 समझ गए तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से है, सेम है क्वेश्चन, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे लीनियर, लीनियर क्या है एक्स प्लस थ्री, लीनियर बराबर हिंदी में बोलते हैं रैखिक, लीनियर बराबर ए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट ए कह लिए और प्लस में बी कांस्टेंट, ए हो जाएगा एक्स प्लस में थ्री ए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू एक्स, एक्स का वन और फाइव का जीरो प्लस में बी, ए आ गया। और हम लोग अब यहां से करेंगे ए बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, किसका ए बी का, कैसे फाइंड करेंगे ए को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए टू ए एक्स माइनस टू ए प्लस में बी, ए बी ए को क्या कर दिए मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब यहां से ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक के साथ, यहाँ पर एक्स के बगल में क्या है वन
और यहाँ x के बगल में क्या है 2a, हाँ तो ए x के गुणांक और x के गुणांक मतलब x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड हो गया, a का। अब कांस्टेंट, अब बराबर में कांस्टेंट 2a प्लस में b, कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल कर दिए और a हो गया 3 माइनस 2, a का वैल्यू रख दीजिए 1 बटा 2 प्लस में b, 2 2 कैंसिल 3, ए माइनस 1 प्लस में b, माइनस 1 इधर आ गया 4, तब b का वैल्यू क्या हो गया 4। तो ए हम लोग फाइंड कर लिए a और b का। अब a और b का वैल्यू फाइंड कर वापस क्वेश्चन चलेंगे, तो x प्लस 3, x प्लस 3 लिनियर बराबर क्या आया a, a और 2x माइनस 2 प्लस में b a आया और बटा में क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5 dx। यहाँ तक कंप्लीट है, फिर से रिपीट क्या किया, लीनियर क्वाड्रेटिक के था तो लीनियर बराबर क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट प्लस डी। अब डिफरेंशिएट के लिए एक को मल्टीप्लिकेशन कर दिए और एक्स के गुणांक के बराबर कर ये मान निकाल लिए, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर कर बी। तो ए बी का मान निकालने के बाद वापस प्रश्न से चलते हैं, कहाँ से प्रश्न से चलते हैं। तो ए प्रश्न से ए लीनियर एक्स प्लस थ्री बराबर ए वाला टर्म लिख दिए और बटा में जो था बटा में रह गया। अब यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, ए टू एक्स माइनस टू और ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस में फाइव और प्लस में ए आ गया बी और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फाइव डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन को बांट दीजिए या डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेट तो हो जाएगा, इसका डीसी ये बैठ गया, इसका पहले तो इंटीग्रेट को ही बांट दीजिए, अभी बांट देंगे 2x माइनस टू और ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स प्लस में ए आ गया बी और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन देखे तो एक कांस्टेंट है रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस 2x का माइनस 2, 5 का 0, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, इसका इंटीग्रेट हम लोग कह लिए, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला। अब यहाँ पे इसका बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर मा ए आ गया क्वाड्रेटिक, अभी अभी हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, तो जब क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हॉल स्क्वायर। तो इसका हॉल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो इसका हॉल स्क्वायर बनाने के लिए ट्रिक बताया गया, एक्स ऐड करेंगे, एक्स के आधा एक्स के बल में क्या माइनस टू, माइनस टू के आधा क्या माइनस वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा और जो जोड़े उसको घटाएंगे बढ़कर, एक का वर्ग क्या आएगा एक, माइनस में पांच पहले से था डीएक्स। अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, एक वटा दो और लॉग और हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, बी का वैल्यू रख दीजिए फोर फोर और ए हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर और माइनस इसको जोड़ लेंगे तो सिक्स, सिक्स को क्या लिख सकते ऐसे, सिक्स को रूट सिक्स के होल स्क्वायर एस, क्यों नहीं लिख सकते। अब ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला हम लोग अगले क्लास में समझे थे, क्या समझे थे इसका फॉर्मूला में हम लोग फोर ए वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ था वन बाई टू ए, ए के जगह पे क्या है रूट सिक्स है, फिर लॉग मॉड एक्स माइनस में ए और ए और बटा में एक्स ई एक्स और प्लस में ए, प्लस ए के जगह पे क्या रूट सिक्स और प्लस में सी, ए हो गया आंसर। यहाँ से कट कर दीजिए ए दो, तो आ जाएगा टू बाई रूट सिक्स, तो ए हो गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 28। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी देखेंगे क्या, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए अभी अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े, तो ये सारे इंटीग्रेशन जब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो तो हर एक फंक्शन में
लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का बनाने का एक ही रूल है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे लीनियर और इक्वल टू ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट। क्वाड्रेटिक क्या है ना, क्वाड्रेटिक यहाँ पे वन प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक प्लस में बी, ये है क्वेश्चन ना। अब देखिए इसका ना ए फाइव एक्स माइनस टू और ए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे वन का जीरो, टू एक्स का टू और तीन दूना छः एक्स प्लस में बी। अब ए आ जाएगा फाइव एक्स और माइनस में टू, ए को मल्टीप्लीकेशन करे टू ए और यहाँ पर सिक्स ए एक्स प्लस में बी, ए हम लोग यहाँ पर ए को मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब ए और बी का वैल्यू फाइंड करें कैसे, तो एक्स के बगल में फाइव और यहाँ एक्स के बगल में क्या सिक्स ए है, तो यहाँ पे फाइव बाय सिक्स, ए का वैल्यू निकल गया फाइव बाय सिक्स। अब कांस्टेंट में क्या माइनस टू और बराबर में कांस्टेंट में क्या है टू ए और बी, ए है तो माइनस में टू और टू, ए का वैल्यू रख दीजिए पाँच वाटा सिक्स और प्लस में बी, ए कट गया तो थ्री, तो माइनस में टू माइनस में पाँच वाटा थ्री और बी, एलसीएम लेंगे थ्री तो तीन दूना छः, छः पाँच ग्यारह, माइनस में ग्यारह, बी का वैल्यू आ गया माइनस ग्यारह बाई थ्री। अब वापस चलेंगे प्रश्न से, कहाँ से प्रश्न से चलेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे फाइव एक्स माइनस टू, फाइव एक्स माइनस टू बराबर क्या लिख देंगे ए और ए टू, टू प्लस में सिक्स एक्स प्लस में बी और बटा में, बटा में क्या है वन प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये है। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, क्या कह लेंगे डिवाइड कर लेंगे ए और टू प्लस में सिक्स एक्स अब बटा में वन प्लस में और टू एक्स प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अब प्लस में बी अब बटा में वन प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह लिए अलग अलग डिवाइड कर दिए, अब यहाँ पे डिवाइड कर लिए इसका इंटीग्रेशन, ध्यान दें इसका इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट है रह गया, नीचे का डिस्ट्री ऊपर बैठ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा लॉग मोर नीचे वाला वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट हो गया प्लस में बी कांस्टेंट है बाहर करेंगे वन बटा ए आ गया क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हॉल स्क्वायर, तो इसका हॉल स्क्वायर कैसे बनावे सर, हॉल स्क्वायर तो तभी बनेगा जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में वन हो, तो वन कैसे बनावे सर, इसको वन बनाने के लिए एक्स क्यूब एक्स थ्री कॉमन ले ले, थ्री क्या कह ले कॉमन ले, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे थ्री नहीं है तो टू बाय थ्री हो जाएगा और यहाँ पे भी थ्री नहीं है तो वन बाय थ्री हो जाएगा ए डी एक्स। अब यहाँ लिख देंगे ए, ए का मान क्या आ चुका है फाइव बाय सिक्स, ये लिख दीजिए फाइव बाय सिक्स लॉग वन प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर, अब प्लस में बी का वैल्यू भी रख दीजिए माइनस में ग्यारह बटा थ्री और ए आपका यहाँ पे थ्री पहले से था, ए थ्री और बाहर आ जाएगा तो वन बटा ए आ गया, यहाँ पे इसका हॉल स्क्वायर बनाएंगे, हॉल स्क्वायर बनाने का रूल पढ़े थे पढ़ चुके हैं एक्स, अब प्लस में इसका आधा करेंगे तो एक बटा थ्री आधा करके जोड़ दिए, जो जोड़े वही घटा देते हैं वर्ग करके, तो एक का वर्ग एक तीन का वर्ग नौ अब प्लस में एक बटा थ्री पहले से था और ए डी एक्स, ए लिख दिए। यहाँ तक तो सभी को बात समझ में आ रही है, तो फाइव बाय सिक्स और लॉग वन प्लस में टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर ऐसी रह जाएगा माइनस ग्यारह बाय तीन तीन नौ हो जाएगा वन बाई, यहाँ पे देखे तो एक्स प्लस वन बाय थ्री के होल स्क्वायर मान एलसीएम ले तो नौ तो ये आ जाएगा थ्री, थ्री में एक घटेगा तो क्या मिलेगा टू, नहीं मिल जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन और वन और यहाँ पे एलसीएम थ्री प्लस में थ्री और माइनस में वन तो क्या आ जाएगा टू और ए डी एक्स लिख दी। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइव बाय सिक्स लॉग वन प्लस में टू एक्स
और प्लस में 3x, इसको वैसे लिख रहे हैं, माइनस में 11/9, ये हो जाएगा 1/x प्लस में 1/3 की होल स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं √2/3 की होल स्क्वायर, s लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 5/6 log mod 1 + 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस में 11/9, ये फॉर्मूला बन गया 1/x² माइनस में ए स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता 1/2a, ए के जगह पे √2/3, तो 1/a इंटू लॉग मॉड एक्स एक्स और माइनस में ए और ए, तो ए √2/3, ए माइनस में ए और बटा में क्या हो जाएगा एक्स प्लस में ए और ए हो गया प्लस में सी, ए आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5/6 log mod 1 + 2x प्लस में 3x² यहाँ पे ये 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 × 11/3 × 6√2 आ जाएगा और ये 3 तो कट गया ना, 3 × 9 और यहाँ बच गया log, ये ध्यान दे एलसीएम 3 लेंगे तो 3x प्लस में 1 माइनस में √2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 प्लस में √2 और इसका एलसीएम कैंसिल और ए आ गया प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का बनाने का सबका एक नियम है, एक तरीका, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और 31 है, 30 31 आप लोग खुद से बनाएंगे क्योंकि आपका लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग को समझाते हैं 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का मतलब फर्स्ट कर रहे हैं इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट भी बना सकते हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक पे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बना फॉर्म में तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा और ऐसे भी इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेट करेंगे तो लेट कर देंगे x - 1 और ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट x² - 1 dx और प्लस में बी और ये आ जाएगा x - 1 और ए और x² का 2x और 2x हो जाएगा प्लस में बी, तो इसको लिख सकते हैं x - 1 2ax प्लस में बी और यहाँ पर x के बगल में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2a और -1b और 1/2 और a, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो गया और b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, x - 1 क्या लिख सकते हैं 2ax, a लिख सकते हैं यहाँ पर a इंटू 2x और प्लस में b और बटा में क्या है √x² - 1 dx, ए दिया हुआ क्वेश्चन, ए दिया हुआ। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कह लीजिए 2x / √x² - 1 प्लस dx प्लस में बी बटा √x² - 1 dx, ए लिख लिए। अब इसका नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो इसका इंटीग्रेट ओ भी क्या ना रूट में है तो रूट वाला, तो ये बन चुका नीचे का डीसी बन गया, ये मतलब बन गया है एक्स, क्या बन गया एक्स, तो 1/√x का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं 2√x होता है 2√x। फिर से रिपीट करते x² - 1 का डीसी ऊपर बैठ चुका है मतलब ये क्या बन गया एक्स, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो इसका इंटीग्रेशन ए आ गया। अब प्लस प्लस में बी और ए बी और बी रह गया 1/x² - 1 को ये समझिए तो x² - a² 1 को ये समझे तो ए स्क्वायर, तो 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस में √x² - a² प्लस में सी, तो इसका इंटीग्रेट ए हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे
और यहाँ पे लिख लेंगे क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू क्या ना 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी का वैल्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट, इसी प्रकार से 32 का सेकेंड है, आप लोग खुद से बना लेंगे। ये क्या है ना एक्स प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डी, ये तो लगता है सेम है क्वेश्चन, माइनस 1 के जगह पर केवल 2 हो गया, इसी प्रकार से बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 32। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33, ये क्या कर रहा है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट में, तो यह फंक्शन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रूट में हो या बिना रूट में, तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं, लेट किया जाता है लीनियर बराबर ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट और प्लस में बी ए, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 2a और 4x का 4 और x स्क्वायर का 2x प्लस में b, ये आ गया। अब यहाँ से x प्लस में 2 a को मल्टीप्लीकेशन कर दे 4a और 2ax प्लस में b, और यहाँ पर x के गुणांक है 1 और यहाँ पर x के गुणांक है माइनस 2a और कांस्टेंट है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट है 4a और प्लस में b, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 1/2 और यहाँ पे 2 बराबर में 4, a का वैल्यू माइनस में 1/2 प्लस में b, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 2 कट गया, माइनस 2 इधर आकर जुड़ जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 और b, ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, तो एक्स प्लस टू बराबर क्या आया ए, तो ए 4 माइनस में 2x प्लस में बी, अब बटा क्या है अंडर रूट 4x माइनस में x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट को डिवाइड कर दीजिए, ए 4 माइनस में 2x अब बटा में अंडर रूट 4x माइनस में x स्क्वायर dx प्लस में बी अब बटा में अंडर रूट 4x माइनस में x स्क्वायर dx, ये डिवाइड कर दे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेट करते, एक कांस्टेंट है रह गया, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट देखिए तो ए इसका डीसी ए बैठ चुका, तो इसका डिफरेंशियल ए बैठा हुआ तो क्या बन जाएगा एक्स, क्या बन जाएगा एक्स, तो 1/√x बन चुका है, क्या बन चुका 1/, ध्यान से देखेंगे इसका ए डीसी बैठ चुका तो ये बन गया 1/√x, इसका डीसी ए बैठ चुका मतलब ये क्या बन गया एक्स, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, x के जगह पे क्या हो गया 4x माइनस में x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेट हो गया, इसका इंटीग्रेट हो गया प्लस में बी, बी कांस्टेंट है बाहर करेंगे 1/√, ये क्या है ना क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर कैसे बनावे सर, एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव में है, नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला टर्म प्लस में और प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, माइनस में 1/2 और 2 और ए आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू रख दीजिए 4 1/√ माइनस में और ए दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या अपनाएंगे रूल एक्स, इसका आधा करके क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइनस 4 के आधा माइनस 2 तो जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो जोड़े उसको घटाते हैं क्या करके माइनस
का वर्ग करते हैं, माइनस दो का वर्ग करेंगे और डीएक्स एक घटा देंगे, ये दो दो कैंसिल आ गया, माइनस में फोर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में फोर वन बटा अंडर रूट, ध्यान देंगे यहाँ पर एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, माइनस टू का स्क्वायर चार प्लस में ही आएगा तो टू स्क्वायर ही रहने दीजिए, ये स्क्वायर करो माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया राइट ना। अब यहाँ पे लिख लीजिए माइनस में अंडर रूट फोर और माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में फोर, अब प्लस वाला टर्म को पहले लिख दीजिए और माइनस वाला टर्म को बाद में लिख लेंगे और ए लिख लिए डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दे तो माइनस में फोर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये वन बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन बटा अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बैठ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स एक्स बाई ए, ए के जगह पे क्या है टू प्लस में सी, ए हो गया आंसर, ए क्वेश्चन नंबर 33 इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 क्या करा ध्यान देंगे, बड़ा सिंपल है एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर है डीएक्स है, क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा ही है, एक्स प्लस वन के जगह पे टू हो गया और यहाँ पे टू फोर के जगह पे क्या हो गया टू, तो सेम रूल अपनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा 34, तो 34 आप लोग का एच डब्ल्यू। और अब समझाते क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान 35 भी आप लोग बना सकते क्योंकि यह आपका केस फॉर्म है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, 36 भी आपका क्या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 37। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। ये आप पूरा चैप्टर बनाने का प्रयास करेंगे तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।